मेरा फोर लाइन में जो जमीन गया है, चार डिसमल गया है, 12 डिसमल जोता है, और नक्शा जो है नोटिस दिया है 2 डिसमल का, नक्शा बनाया है 25 डिसमल का। ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? वो तो फोर लाइन वाला जो है वहाँ भूअर्जन वाला नहीं समझेगा कैसे क्या किया है या नहीं किया है, वो समझेगा। हम लोगों को तो यहाँ नौपी आया, उसके बाद जो है हम देख रहे हैं। किनको शिकायत की है इस बात को लेकर के? किसने को, किनसे मिले हैं? सीओ साहब को शिकायत किए थे, सीओ साहब आया था, उसको मना किया। सीओ साहब शुक्रवार शुक्र चले शुक्रवार को आया था, उस दिन भी जो है वो देख करके गया, और अभी तक जो है नोटिस मिल गया है लेकिन पैसा नहीं मिला है, और पहले जो है जोत रहा है। क्या आश्वासन दिए सीओ? सीओ बोला है कि हम जा रहे हैं, जितना भी जल्दी हो सकेगा तो हम जो है पैसा जो है अकाउंट में भेजेंगे। पैसा नहीं भेज देगा, लेकिन आप बोल रहे हैं कि जितना जमीन आपका नोटिस आया उससे ज्यादा का ही हो? ज्यादा का जो है किया है, लेकिन जो है ना सीओ साहब चला गया, उसके बाद अमीन ने नाम करके हमको जो है ना नक्शा हिसाब से जो है बताया कि यहाँ तक जो है जमीन जो है फोर लाइन का यहाँ तक आ गया है। दिक्कत हम लोगों को मुआवजा सही रेट मिलना चाहिए, और सरकार का घोषणा है कि मुआवजा के हिसाब से 4 गुना ज्यादा मिलना चाहिए, सरकार का घोषणा है। और यहाँ तो कि रेट क्या पानी के भाव में कीच हम लोगों का कीच जमीन जा रहा है, सरकार जबरदस्ती कर रहा है। ये लोग आज क्या किया आप लोग यहाँ पे? ये काम रुकवा रहे हैं। कितना जमीन गया आपका? हमारा गया है कीच 0.23 एकड़। हम सब का है कि मुआवजा दीजिए, और अभी का रेट से हिसाब से मुआवजा मतलब मिलना चाहिए जो रजिस्ट्री रेट है। कितना जमीन और जो है पहले? अभी तो 70,000 रुपया डिसमल रजिस्ट्री है मतलब कराए लगता है हम सबको, और यहाँ मिल रहा है 50,000 रुपया कट्ठा मिल रहा है जमीन। तो कितना कीमत एक कट्ठा जमीन का? एक कट्ठा जमीन का होना चाहिए कम से कम 7 लाख रुपया, 8 लाख। 8 लाख दे रहा कितना? 50,000 रुपया। इसे संतोष है आप लोग? नहीं। तो इसका मतलब आज क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, काम रोक दिए यहाँ पे? हाँ काम रोक दिया है, इधर नया काम नहीं होने दे रहे हैं। अभी पहले मुआवजा दीजिए तब काम, और जो है ये नक्शा बना दिया है और नोटिस भी नहीं दिया है हम सबको बहुत जमीन का, और एक कट्ठा लिया है जमीन, नोटिस दिया है एक कट्ठा का जमीन ले लिया है 5 कट्ठा। हम सब किसान आदमी है, खेते में करते हैं, इसी से हम घर चलाते हैं। सरकार जो 50,000 रुपया कट्ठा के दर से जो ले लिया था, हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे बच्चा सबको पालेंगे पढ़ाएंगे? 3 बीघा जमीन इसी से रोजी रोटी चलता है। हाँ इसी से रोजी रोटी चलता है। जब खेती लगाने का समय आता है तो पैसा नहीं रहता, तो हम सब कर्ज लेके खेती लगाते हैं, और लगाया हुआ खेती और गाड़ी चला दिया खेत में फसल फसल हाँ फसल गेहूं लगाए थे, 3 बीघा खेत में गेहूं लगाए थे। इस बार जो फसल होते हैं पैसा से बेटी है 4 गो रखेंगे तब ना शादी ब्याह करेंगे, कैसे करेंगे? पढ़ाते हैं 2 गो लड़का है, 4 गो बेटी है, और सब जमीन ले लिया सरकार, कैसे कमाएंगे, क्या खिलाएंगे बच्चे सबको? जमीन का नोटिस 2 डिसमल का दिया, नोटिस मिला है, और 10 डिसमल अधिग्रहण जमीन करने जा रहा है, और 2 डिसमल जो नोटिस दिया है उसका पेमेंट भी नहीं दिया है। और दूसरा बात है कि जब रजिस्ट्री वैल्यू 8,80,000 रुपया वैल्यू है, जब उसके मुताबिक से हम लोगों को मिलना चाहिए पैसा। 3 बीघा जमीन गया है और सही से यहाँ एक्चुअली रेट नहीं मिल रहा है। क्या मांग कर रहे हैं? जो रेट है लिखा है का कम से कम वो हिसाब से तो मिलना चाहिए। कितना मांग कर, क्या है रेट और क्या? यहाँ 8 लाख रुपया कट्ठा है। मिल रहा है कितना? 50,000 रुपया कट्ठा। खेत जा लो जाए रासनी कुछ मिल लो जाए जे लो जाए तो आए दो आरु जाते पहुँच का कहीं नल में बेचीर लो जाए पहुँच का लिवाए कागज छोड़ जमीन रो छह ना